2 सितंबर से पूरे देश में भाजपा का सदस्यता अभियान और संगठन पर्व शुरू होने वाला है। गुजरात ने भी तैयारियां कर ली है। प्रदेशों में जो है ये 3 सितंबर से शुरू होगा। हमारे साथ जो सदस्यता अभियान के इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। केसी पटेल, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है, किसी सदस्यता अभियान जो है वो किस तरह से गुजरात में होगा, 3 तारीख से कैसे शुरुआत होगी और कौन कौन शामिल होगा इस सदस्यता अभियान में? 2 तारीख को केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को सदस्यता दिलवाकर 8800002024 ये नंबर में मिस कॉल करके ये अभियान पूरे देश में शुरू होगा। गुजरात में 3 सितंबर को यहाँ प्रदेश कार्यालय पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय सी आर पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को सदस्यता दिलवाकर पूरे गुजरात में ये पूरा अभियान शुरू होने वाला है। बाद में 4 तारीख को पूरे जिलों में, सभी जिलों में ये सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। शुरुआत में जब 2 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये लॉन्चिंग करके सदस्यता अभियान की शुरुआत करवाएंगे तो हमारे पूरे मंडल संगठन से लेके प्रदेश संगठन के जो पदाधिकारी है वो सभी लोग अपने 100 सभा सदस्य बनाएंगे और उसी हिसाब से सरपंच से लेके सांसद तक सभी को 100 करके 2 और 3 तारीख में ये करने वाले हैं और उसी तरह ये पूरा सदस्यता अभियान यहाँ शुरू होने वाला है गुजरात में। किसी पिछली बार जो है गुजरात बीजेपी ने एक बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान में भाग लिया था और 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए थे, इस बार कोई टारगेट रखा गया है या इस बार जो है पिछली बार से ज़्यादा बनाने का टारगेट है या फिर जो है वो स्क्रूटिनी ज़्यादा होगी, किस तरीके का आयोजन इस बार रहेगा प्रदेश की ओर से? पिछली बार 2014 में 1,09,00,000 प्राथमिक सदस्य गुजरात में बने थे, फिर 2019 में नए और 43,00,000 उसमें जुड़े थे। इस बार हमने टारगेट बूथ को किया है, हमारा जो एकम है चुनाव का वो बूथ है तो बूथ में मिनिमम 200 से लेके 500-600 सभासद बनाए, सदस्य बनाए, उसी तरह से टारगेट किया गया है और कोई भी इलाका, कोई भी जगह ऐसी न बचे कि जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य न बने। ये जो है संगठन पर्व में सदस्यता अभियान शुरू हुई है, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स भी बनाए जाएंगे, सक्रिय मेंबर्स, उसके लिए क्या कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है और क्या बताया गया है किस तरह से उनको करना है ये ताकि कोई गलती ना रहे? गुजरात में सक्रिय सदस्य प्राथमिक सदस्यता की 6 साल की अवधि होती है, सक्रिय सदस्यता की अवधि 3 साल की होती है, तो हर 3 साल सक्रिय सदस्य फिर से बनना पड़ता है। तो जिन्होंने 1 महीने से ज़्यादा काम किया हो पार्टी का और 100 से ज़्यादा प्राथमिक सदस्य बनाए हो, ऐसे कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो हमने तय किया है कि बूथ में मिनिमम 2 से लेके 5-7 तक सक्रिय सदस्य बनने वाला कार्यकर्ता तय किया जाए और वो अपने 100 प्राथमिक सदस्य बनाए तो वो अपने क्राइटेरिया में आ जाता है और वो सक्रिय सदस्य बनता है। तो उसी तरह हर बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता सक्रिय सभ्य बने, उसी हिसाब से हमने 100 का एक सक्रिय सभ्य बनने के लिए जो 100 का लक्ष्यांक है वो बूथ में 3, 4, 5, 6 बने, ऐसा लक्ष्यांक हमने तय किया है। थे संयोजक केसी पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार से जो है इस बार ज़्यादा सदस्य बनेंगे ऐसी उम्मीद है, जो टारगेट है वो बूथ को किया गया है, बूथ पे जो है जितने भी सदस्य हैं उनको जो है वो 100-100 सदस्य बनाने हैं प्राथमिक और उसके बाद सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कराएंगे, उसके बाद 3 तारीख को सभी राज्यों में प्रदेश इकाइयों में जो है वहाँ पर मुख्यमंत्रियों के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी। अहमदाबाद से कैमरा मित्र राहुल के साथ ब्रजेश जोशी, आज तक।